Hey everyone, welcome back again to my channel. This video is related to IELTS predicted writing task list for February and March IELTS exam. Yes, all the writing task two topics are here in this doc file in this video where you can watch और आप चेक कर सकते हो किस तरह के आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली सेम आएंगे बट ये सिमिलर पैटर्न एज वेल एज सिमिलर कैटेगरी can come in IELTS exam in the month of February and March. So this video is really, really, really important for you. और आपको ये भी पता होगा कि हमारे टास्क रिपीट होते हैं तो जितने भी पुराने टास्क हैं इफ यू गो एंड चेक द रिव्यूज जो पुराने रिव्यूज अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि येस दे आर रियली इम्पॉर्टेंट और पुराने टास्क कितनी बार रिपीट हुए हैं उनमें से चेक कीजिए. नाउ यू कैन सी ये जो क्वेश्चन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन और साथ में आपको ये पुराने टास्क भी हैं और न्यू टास्क भी हैं इसमें. आप इसको सारे के सारे करें, जस्ट पॉज करें वीडियो को और चेक करें कि कितने सारे टास्क हैं जो फेब और मार्च में आ सकते हैं राइटिंग टास्क टू. डेट वाइज आपको प्रेडिक्शन मिल जाएगी, जितने भी टास्क होंगे वो आपको मिलेंगे, जैसे कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन, इसका कम्युनिकेशन पे इफेक्ट रहा है. सो यस दिस इज ऑल्सो द रेपिटेटिव वन. नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स स्कूल शुड रिवॉर्ड द स्टूडेंट्स हु शो द बेस्ट एकेडमिक रिजल्ट. तो जरूरी नहीं है कि सेम ऐसा ही पैटर्न आएगा. इट इज समवेयर लाइक कि स्कूल के ऊपर और रिवॉर्ड के ऊपर या फिर चिल्ड्रन के ऊपर उनके एकेडमिक रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसके लिए बेटर प्रिपेयर करें. ये क्वेश्चन जो है टेक्नोलॉजी कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये भी पहले आ चुका है. तो आपको हम रेपिटेटिव जो टास्क हैं वो भी बता रहे हैं. एज आपने पुरानी वीडियोज देखी होंगी उसमें हमने आपको रीडिंग की प्रेडिक्शन दी है विद प्रूफ दिया है, विद डेट्स दिए हैं कि कौन कौन से राइटिंग टास्क कब कब आए हैं. इन द सेम केस ये भी कुछ रिपीटेड टास्क हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं एंड इट कैन रियली बी बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप इनको ध्यान से करें. डिस्कस बोथ व्यूज का क्या है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, सब कुछ इस टास्क में आपको मिल जाएगा इस फाइल में. अगर आप इनको ध्यान से देखें उस हिसाब से इनको यूज करें तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा कि 7.5 बैंड आपके आ सकते. तो इसलिए बेटर होगा कि इनको पहले से प्रिपेयर करके चलें. तो ऑल द बेस्ट, कल एग्जाम है तो रिव्यूज के लिए सबसे पहले यहीं पे आइएगा, चेक कीजिएगा रिव्यूज कैसे आए हैं, कैसा टास्क था, क्या क्या आया था उसमें. एंड अगेन आई विल से ऑल द बेस्ट जिनका कल एग्जाम है, प्लस जिनका 17 और 26 को एग्जाम है वो जरूर देखें ये वाली वीडियो. ऑल द बेस्ट गाइज, नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं. बाय.